हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। यहाँ पर अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन और CO2, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता है वो होता है ब्लड। यानी कि जो ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट बात। सेकेंड है कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों अपने अपने मतलब कि पूरी जो कंप्लीट मात्रा है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC के द्वारा ब्लड में होता है, ठीक है। और उसमें से 3% ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा द्वारा गुल्ली अवस्था में होता है, ठीक है। यहाँ पर 100% ऑक्सीजन की पता चल गया कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लड में RBC के द्वारा और 3% प्लाज्मा के द्वारा घुलनशील अवस्था में चली जाती है। अब अपन CO2 के बारे में देखें तो जो CO2 होता है उसका भी 20% जो है ट्रांसपोर्ट RBC के द्वारा होता है और 70% बायकार्बोनेट के रूप में वो चला जाता है। बचा हुआ जो 7% प्लाज्मा है वो घुलनशील अवस्था में या गुल्ली अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों का ट्रांसपोर्ट मीडियम ब्लड होता है। ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है, किसके द्वारा होता है ना, और बची हुई ऑक्सीजन कहाँ जाती है। और उसी तरह CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है और बची हुई जो CO2 होती है वो कहाँ जाती है। नॉर्मली ये बातें अपन को इसमें ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑक्सीजन के जो परिवहन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।